राजधानी शिमला के कैपिटल होटल के टॉप फ्लोर में भयंकर आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही डिविजनल फायर ऑफिसर डीसी शर्मा की अगुवाई में छोटा शिमला, बालूगंज और माल रोड से अग्निशमन की 5 गाड़ियां 40 कर्मियों के साथ मौके पर पहुंची। वहीं आग की लपटें इतनी भयानक थी कि आसपास के घरों में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन घटनास्थल पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। आग से कैपिटल होटल के टॉप फ्लोर के 3 कमरे जलकर राख हो गए। आगजनी में 2,00,000 रुपए का नुकसान आका गया है। कैपिटल होटल के साथ लगते बालजी, रेजेंसी, सूर्या होटल, लॉर्ड ग्रे होटल सहित अन्य होटल को सुरक्षित बचाया गया। इसके साथ ही यहां स्कूल सहित अन्य मकानों को भी सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही SDM शहरी मंजीत शर्मा भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। या तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।